हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सोशलिज्म और सोशलिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर, सोशलिज्म के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सोशलिज्म समझने से पहले हम आइडियोलॉजी को समझते हैं कि आइडियोलॉजी क्या चीज़ है। आइडियोलॉजी को अगर हम ब्रेक करें तो हमारे पास दो लफ्ज़ आते हैं, आईडी एंड ओलॉजी। आईडी लफ्ज़ निकला है आइडिया से, जिसे हम थॉट्स भी कह सकते हैं, और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। अब जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टडी ऑफ थॉट्स और स्टडी ऑफ आइडियाज़। मतलब साफ हो गया कि आइडियोलॉजी में हम मुख्तलिफ किस्म की सोच को स्टडी करते हैं। अब आइडियोलॉजी की डेफिनेशन को देखते हैं कि आइडियोलॉजी की डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है। अ सेट ऑफ बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज और कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी। जो भी आपका यकीन, सोच, ख्यालात और तसव्वुरात हैं पॉलिटिक्स, मजहब और इकोनॉमी यानी मुईशत के बारे में, उसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। वैसे तो बहुत किस्म की आइडियोलॉजी मौजूद हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा सोशलिज्म पे। दोस्तों, हर लफ्ज़ के पीछे जज्बात होते हैं, और ऐसी क्या हमारे को हमारे समाज में ज़रूरत पड़ी कि हम सोशलिज्म लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे। काफ़ी अरसे पहले जब दो किस्म के लोग हुआ करते थे, एक अमीर होते थे और एक गरीब होते थे। अमीर वो लोग हुआ करते थे जो गरीबों से काम करवाते थे और अपना प्रॉफिट कमाते थे, और गरीबों को कोई एक्स्ट्रा मुआवजा नहीं देते थे। इस तरह जब ज्यादा प्रोडक्शन होती थी तो अमीर और अमीर हो जाता था और गरीब अपनी उसी जगह पे रहता था। गरीबों को सिर्फ उनकी सैलरी ही दी जाती थी, भले उनसे ओवर टाइम काम भी क्यों ना करवाया जाए। इस सिस्टम को हम कैपिटलिज्म कहते हैं। अब इस सिस्टम से गरीब लोगों को कोई खास आसान जिंदगी नहीं मिलती थी, वो बस अपना कमाते थे और गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे। अब यहाँ पे एक इनकलाब की ज़रूरत थी जो कि गरीबों को उनका हक दिलाए और उनके साथ भी वही सलूक हो जो दूसरे इलीट क्लास के साथ होता था, जैसे कि बच्चों का अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट, सारी बुनियादी सहूलत का यकीनी होना। तो वो इनकलाब आया सोशलिज्म के नाम से, जिसमें कहा गया कि सोसाइटी में हर किसी के पास ये हक होना चाहिए कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिस तरह दूसरे लोग गुजार रहे हैं। कोई सा भी सनतकारी निज़ाम, मतलब इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो सोसाइटी के हाथों में होना चाहिए। अब ये सोसाइटी क्या है? सोसाइटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बाउंड्री वॉल है और उस बाउंड्री वॉल के अंदर 100 लोग रहते हैं, जिसमें 40% मुस्लिम्स हैं, 40% हिंदू हैं और 20% क्रिश्चियन हैं। अब ये एक सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी में जो रूल्स बनेंगे वो सबके लिए एक जैसे होंगे, चाहे लोगों का ताल्लुक किसी भी मजहब से क्यों ना हो। तो सोशलिज्म में ये होता है कि सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सोसाइटी के पास होनी चाहिए ताकि वो सबके साथ एक जैसा सलूक रखें। अब हम सवाल देखेंगे कि व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या है। डेफिनेशन, सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इट दैट द मींस ऑफ मेकिंग, मूविंग एंड ट्रेडिंग वेल्थ शुड बी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द वर्कर्स। सोशलिज्म एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है। ये एक मुआशरती तंजीम का मुआशरती नज़रिया है, जिसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का निज़ाम सारा सोसाइटी के हाथ में होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सोशलिज्म आइडियोलॉजी। सोशलिज्म तो हम समझ गए। अब जब सोशलिज्म की हुकूमत आती है तो उनका नज़रिया क्या होता है? जैसे हमने आइडियोलॉजी को समझा था कि आप क्या सोचते हैं पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड इकोनॉमी के बारे में, ठीक इसी तरह अगर सोशलिस्ट बंदा हो तो वो किस तरह इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों, जो सोशलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक निज़ाम होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि
लोग बाय इलेक्शन इक्तदार में आए, और यह भी कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग इनको वोट करें ताकि पढ़े लिखे लोग इक्तदार में आए और निजाम को बेहतर तरीके से चलाएं। अब सोशलिस्ट लोग रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गॉड यानी के खुदा का डायरेक्ट लिंक नहीं है दुनिया से। आप जो भी करते हैं वो एक हरकत है, और जो भी आपके साथ होता है वो महज एक इत्तफाक है, और इंसान ही इंसान के काम आता है, और रिलीजन का पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। जो आपका जो भी रिलीजन है वो आपका मसला है, और पॉलिटिक्स एक बिल्कुल अलग चीज है, लिहाजा आप रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब सोशलिस्ट लोग इकोनॉमी यानी मोईशत के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इकोनॉमी यानी के मोईशत इक्वली डिवाइड होनी चाहिए अवाम के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का आपको 70% हिस्सा लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और मजीद ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते उस निजाम में। अब इसकी मिसाल समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक गाय है और गवर्नमेंट आपसे वो गाय ले लेती है और उस गाय को एक जगह रख लेती है जहां बाकी सारे लोगों की गाय जमा है, और गवर्नमेंट आपको उतना ही दूध देती है जितना आपके घर की जरूरत है, ना ज्यादा ना कम। अब सोशलिज्म के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। एडवांटेजेस: गारंटी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्रेडल टू ग्रेव। सोशलिज्म में आपको ज्यादा लग्जरियस लाइफ तो नहीं मिल पाती, लेकिन सबके साथ एक जैसा लिविंग स्टैंडर्ड जरूर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा घर सोसाइटी में 3 कमरों का है तो सबके घर एक जैसे होंगे। इवन आउट डिफरेंसेस मेक्स पीपल मोर इक्वल। लोगों के दरमियान से फासले खत्म कर दिए जाते हैं और एक जैसा रखा जाता है, मतलब अमीर और गरीब कोई नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे। वर्कर्स एंजॉय फुल फ्रूट ऑफ लेबर। वर्कर्स को उनका हक मिलता है, अगर 7 घंटे की ड्यूटी है तो 7 घंटे काम करेंगे, अगर ओवरटाइम करेंगे तो एक्स्ट्रा मुआवजा मिलेगा। एंड ऑफ पॉवर्टी। बिल्कुल ये बात है जो सबको देखनी चाहिए कि गुर्बत का खात्मा कर दिया जाता है। पीपल हैव मोर कंट्रोल ऑन देयर लाइव्स। लोगों का ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगियों पे काबू होता है, मतलब है कि गरीब का बच्चा भी वहीं पड़ेगा जहां अमीर का बच्चा पड़ेगा, और अमीर हो या गरीब एक ही हॉस्पिटल से इलाज होगा, ये नहीं कि इलाज के लिए अमेरिका चले जाएं। डिसएडवांटेजेस: टू मच गवर्नमेंट कंट्रोल। बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट का मुलव्वस होना, मतलब है कि अगर आप अपनी फैक्ट्री खोलेंगे तो आपको हर चीज का बारीकी से ख्याल रखना होगा, जैसे सेफ्टी प्रोसीजर, प्रॉफिट में वर्कर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, हाई टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बहुत ही ज्यादा टैक्स होता है, और जो आप प्रॉफिट की सूरत में कमाते हैं वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। रॉब्स ह्यूमन इंसेंटिव्स। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, मतलब है अगर आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उस फैक्ट्री में 10 और लोग काम करते हैं, 8 बंदे मेहनत से काम करते हैं और 2 लोग टाइम पास करते हैं, लेकिन उनको भी वही तनख्वाह मिलती है जो आपको मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।